हाँ तो फंक्शन क्या होता है हम लोग देख चुके थे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें ये जो सेट है, सेट पहला वाला जो सेट है ए, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। और इस सेट को क्या बोलते हैं, सब लोग शान रहेंगे, सेट को क्या कहते हैं, रुचि डोमेन, ठीक है। और बी सेट को क्या बोलेंगे, को डोमेन, एकदम क्लियर है, ठीक है, ओके। हाँ एकदम शांत रहेंगे, जिनसे पूछूंगा भाई मुक्ता बताएगी मेरे को कि यहाँ पे जो इमेजेस बने हैं वो क्या है, सेट ऑफ इमेजेस क्या है, क्या बताया था मैं कल, अच्छा रेंज क्या होता है। हाँ जल्दी, हाँ ए बी सी डी, ठीक है, जो कोडोमेन में है वो जो इमेजेस रहेंगे वही जो सेट होंगे वो क्या होंगे आपके, रेंज होंगे, एकदम क्लियर है, चलो ठीक है ना। तो इतना अपन कल कर चुके थे, ठीक है। अब एक चीज और जानो कि कोई भी जो अपना रिलेशन है, ठीक है, वो फंक्शन कब नहीं होगा, ठीक है, तो उसको देखेंगे। अगर टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, मैं बता चुका हूँ फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, चीजें वही हो रही है लेकिन एक स्पेशलिटी है, और वही स्पेशलिटी के कारण वो क्या हो जा रहा, फंक्शन हो जा रहा है ना। चलो ठीक, तो देख लेते हैं हम लोग एक ठो, ये एक फंक्शन और ये एक दूसरा फंक्शन, ए दूसरा सेट, ठीक है। चलो 1 1 2 3 4, ठीक है, ए बी सी डी और ये ई, ठीक है। ये जो कनेक्शन होता है ना वो बाय रूल होता है ना, बता चुका हूँ ना इसको, ठीक है, कुछ ना कुछ रूल लगा हुआ होता है, जैसे कि उस समय हस्बैंड वाइफ का लगा था, है ना। अगर उसमें कुछ चाइल्ड होते तो चाइल्ड से थोड़ी ना कनेक्ट करते, तो रूल फॉलो नहीं करता, है ना। अभी बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ इधर देखो, 1 2 3 के इमेजेस है सेट ए के, 1 2 3 के इमेजेस है सेट बी में, कोई दिक्कत की बात, ए बी सी क्या है, 1 2 3 के इमेजेस है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं। लेकिन 4 का जो इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या फंक्शन होगा, नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब यह है कि डोमेन के एवरी एलिमेंट का इमेजेस होना चाहिए, समझे कि नहीं। मतलब यह है कि डोमेन में कोई भी एक एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोडोमेन में छूट रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, समझे कि नहीं, एकदम क्लियर समझ में आया, ठीक है। हाँ तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है, उसके इमेजेस एग्जिस्ट करना चाहिए इन कोडोमेन या फिर बी में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, ठीक है, ओके। तो ये फंक्शन नहीं है, इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि 4 का इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्लियर है, चलो ठीक है। हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, ओके। तो टाइप में देखेंगे सबसे पहले एकदम बेसिक वाला 1 1 फंक्शन, ठीक है, ध्यान देंगे भाई यहाँ पे ऐसे चीजें, बहुत सारी चीजें जैसे कहेंगे, जैसे कि मैं लड़का हूं, ठीक है, और मेरा नाम नूतन भी है, ठीक है, दो प्रॉपर्टी आ गई ना एक साथ, एक स्पेशलिटी की नूतन भी है, लड़का भी हूँ, और उसके बाद मैं टीचर भी हूँ, ठीक है, वो भी बेहतरीन वाला, बहुत सारी प्रॉपर्टी आ गई, तो एक ही चीज में, हाँ मैथ्स का डेफिनेटली, ठीक है, समझे कि नहीं, क्लियर है। तो ऐसे ना एक ही फंक्शन में बहुत सारे उसके नेम हो सकते हैं, ठीक है, तो देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है ना, चलो देखते हैं। तो पहला केस हम लोग देख रहे हैं 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ठीक है, इसमें क्या स्पेशलिटी है वो देख लेते हैं फटाक से 1 1 फंक्शन का, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आया 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी डी और ये ई कर लिए। तो यहाँ पे देखो, 1 1 जो है ए से कनेक्टेड है, 2 जो है बी से कनेक्टेड है, 3 जो है सी से कनेक्टेड है, और 4 जो है डी से कनेक्टेड है। मतलब एक जो एलिमेंट है वो दूसरे जो सेट है उसके एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। जब एक सिंगल एलिमेंट दूसरे, मतलब डोमेन का सिंगल एलिमेंट कोडोमेन के सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड हो तो इसको क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत की बात, समझ में आ रहा ना, ठीक है, ओके। तो इसका, हाँ एक चीज और, एक बेहतरीन चीज बताना था जिसको मैं बता नहीं पाया हूँ, ठीक है, तो इसके जस्ट बाद बताता हूँ उसको, है ना, ओके। एक देखेंगे मैनी वन, अभी रुक जाओ पहले समझ लो थोड़ा सा, मैनी वन, मैनी वन तुरंत बता रहा हूँ ताकि तुम लोग को आइडेंटिफाई, क्लैरिफाई या फिर डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ठीक है। मैनी वन, ठीक है, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी और ये ई, 1 कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है ए से, 3 कनेक्टेड है बी से, 4 कनेक्टेड है सी से, 5 कनेक्टेड है डी से, समझे कि नहीं, क्या ये फंक्शन है,
है ना, रूल के हिसाब से क्या रूल था अपना फंक्शन का? खुशबू बोलना, टाइम वेस्ट कर रही है, बोल। सबकी एक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज। एग्जैक्टली क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? सबकी यूनिक इमेज है, समझे कि नहीं, है ना। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे डोमेन में जो एलिमेंट है अगर वो क्वेश्चन है तो उसका ही यूनिक आंसर होना चाहिए। तो वन का यूनिक आंसर ये मिल रहा है क्या? वन का दो आंसर है क्या? नहीं। टू का यूनिक आंसर ये मिल रहा है क्या? टू के दो आंसर है क्या? नहीं। तो ये क्या है? फंक्शन। समझे कि नहीं? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर। हाँ, तो ये फंक्शन है। लेकिन खास बात देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैनी है वन से कनेक्टेड है, मतलब एक से ज्यादा जो है एक से कनेक्टेड है, तो इसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। समझे कि नहीं? एकदम क्लियर। समझा हीरो? हाँ, कोडोमेन। कोडोमेन के एलिमेंट्स मतलब छूट सकते, ये बोल रहे क्या? हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है। हाँ, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अपना डोमेन का जो है ना, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि वन जो है ए से कनेक्टेड है और वन जो है बी से भी कनेक्टेड है। हाँ, तो ये नहीं हो सकता, ये रिलेशन हो जाए। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत की बात? मुक्ता को क्लियर है? चलो ठीक, ये एकदम क्लियर है, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। हाँ चलो, वन वन फंक्शन को और क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन को एक इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बहुत जगह इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी देख मिलेगा ये। क्या बोली? हाँ, फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, फंक्शन को जो है ना मैपिंग भी बोलते हैं। ये जो फंक्शन है ना, इसको मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। और फंक्शन को लिखने का तरीका भी देख लो ना, फंक्शन को लिखने का तरीका, जैसे फंक्शन है, ये फंक्शन है, और फंक्शन जो है ए कनेक्ट हो रहा है किससे? बी से। ए कनेक्ट हो रहा है किससे? बी से, है ना। तो यहाँ पे ए क्या होगा? डोमेन होगा कि कोडोमेन होगा? डोमेन, है ना। ए कनेक्ट हो रहा है बी से, तो ऑब्वियस सी बात है डोमेन जो कनेक्ट होता है कोडोमेन से, तो ए आपका क्या है? डोमेन, और बी क्या है? कोडोमेन। कोई दिक्कत की बात? चलो ठीक, ठीक है। हाँ, बस कितना अपने को सीखना था, ठीक है। हाँ एक मिनट, हाँ एक चीज और भी बताना है मेरे को थोड़ा सा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, इससे क्वेश्चन आए हुए ना एक दो बार, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एकदम बेसिक चीज है, ऑर्डर्ड पेयर ही है, ठीक है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में लिखना, कैसे? देखो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ गए किसको। एक सेट है मेरे पास 1 2 3, दूसरा सेट है मेरे पास बी ए बी, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, समझे कि नहीं? पहला सेट कौन सा है यहाँ पे? ए है, ठीक है। तो ए का मैं पहला वन एलिमेंट लेता हूं और ए और बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूं। अब ये ऑर्डर्ड पेयर कैसे बन रहा है? देखो, वन का ए के साथ ये ऑर्डर्ड पेयर, ये पेयर है और ऑर्डर में है। मेरे को यहाँ पे अगर देखूंगा वन और ए, तो तुरंत दिमाग क्लिक करेगा कि ये जो वन है जो है वो ए का एलिमेंट है और बी जो है सॉरी ए जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। कोई दिक्कत की बात? ठीक है। हाँ, और यही चीज अपन करेंगे। वन का ए के साथ हो गया, वन का बी के साथ भी, ठीक है। वन का हो गया दोनों के साथ, फिर टू का 2a एंड 2b, ठीक है, 3a 3b। अभी समझाने के लिए ऐसा लाइन से लिखा हूं, नहीं तो इसको ऐसा लंबा करके कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अब जो क्वेश्चन आया था वो क्या है? क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में वो क्या है कि अगर a और b हमारे पास है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या फिर नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने सारे होंगे, ठीक है। तो ये छोटा क्वेश्चन ऐसे थे, मैं 3 लिखा था और यहाँ पे 2 लिखा था, उसमें एक सेट में थे n इज इक्वल टू 12, मतलब a सेट में जस्ट सपोज करो 12 है और b सेट में जस्ट सपोज करो 24 है, है ना। तो अगर अपन एक एक को बनाते गए, ठीक है, तो कम से कम 3 घंटा लगेगा और 2 घंटे का एग्जाम होता है साला, ठीक है, दिक्कत की बात है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है, इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 2 है, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनेंगे यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 या फिर 3 मल्टीप्लाइड 2 कितने बनेंगे? 6, समझे कि नहीं?
तो वहां पे अगर बोलेगा कि ए सेट ए और सेट बी के नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 24। समझे कि नहीं? एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत की बात समझ में आ गया ना? ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है? और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी दिए हैं वो सब रिलेशन है। थ्री जो है दो लोग के साथ जुड़ा हुआ है, ए और बी के साथ, है कि नहीं? थ्री जो है दो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है ना? ये एक्चुअल में हुआ क्या है, हो क्या रहा है एक्चुअल में? 1 2 3 ए बी, 1 जो है ए के साथ कनेक्टेड है और बी के साथ भी कनेक्टेड है, 2 जो है ए के साथ कनेक्टेड है और बी के साथ कनेक्टेड है, 3 जो है ए के साथ कनेक्टेड है और बी के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ पे वही चीज हो रहा है। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत की बात है? ऑर्डर की, ऑर्डर पेयर की बात है तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 और 3 जो है वो सेट डोमेन का एलिमेंट है। समझे कि नहीं? क्या बोल रहा है? हाँ, ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन का ही बता रहा हूँ मैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन, यहीं से फिर अपना स्पेशल चीज जब आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? एकदम क्लियर है? ठीक है, हाँ चलो अभी पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिख लो तैयार। ओके, ऑनटू फंक्शन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑनटू फंक्शन एकदम बेसिक है। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 ए बी सी डी, 1 कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है बी से, 3 कनेक्टेड है सी से और 4 कनेक्टेड है डी से। क्या डोमेन में कोई एलिमेंट बचा, सॉरी कोडोमेन में कोई एलिमेंट बचा है? नहीं बचा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑनटू फंक्शन। कोई दिक्कत की बात नहीं है? ठीक है, तो ऑनटू फंक्शन में क्या खास बात होती है भाई? ऑनटू है ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर इमेजेस, या फिर ऑल कोडोमेन आर रेंज बोल सकते हैं। हाँ, तो इसमें लिख लो यार फटाक से छोटा सा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर इमेजेस और सेट ऑफ रेंज। ठीक है, इनटू फंक्शन देखेंगे तुरंत। ठीक है, इनटू फंक्शन हो गया, लिख लिया इसको, बना लिया क्या? चलो ठीक है, इनटू फंक्शन देख लेंगे फटाक से। ठीक, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, 1 कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है बी से, 3 कनेक्टेड है सी से, 4 कनेक्टेड है डी से। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे कुछ एलिमेंट्स बच चुके हैं जो कि इमेजेस नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। ठीक है, तुम लोग इसको और क्या फंक्शन बोल सकते हो? 1 1 फंक्शन। ठीक है, यू 1 1 फंक्शन भी है और साथ में इनटू फंक्शन भी है। ठीक है, हाँ तो इसको स्टेटमेंट में थोड़ा लिखोगे क्या? ठीक है, Some element of codomain are not image. Some element of codomain are not image of any element of domain. ठीक है, क्या बोले? कहां से एक बार तू पढ़ना तो समझ में, तुरंत तुरंत बोल रहा हूं। Some element of codomain are not image of element of domain. ठीक है, ठीक है, चलो इतना पढ़ोगे तुरंत क्लियर हो जाएगा सब चीज। ठीक है, ओके, हाँ अब इसके बाद लिखो, एक स्टेटमेंट लिखेंगे प्लीज, इंपॉर्टेंट है। इफ एनी फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू, विच इज 1 1 एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन ना, 1 1 एंड ऑन टू
ठीक है, हाँ, एनी फंक्शन विच इज वन वन एंड टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वन वन हो रहेगा और साथ में ऑन टू भी रहेगा, बाइजेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, जो वन वन ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं ना, सर्जेक्टिव फंक्शन, उसको भी लिख लोगे। S U R J E T T I V E, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, चलो ठीक है। कॉन्स्टेंट फंक्शन देखेंगे, बहुत ही ज्यादा सुकून। कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्स्टेंटली एक ही इमेज होगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट फंक्शन में एक ही इमेज होगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका। वन टू थ्री फोर, और ये हो गया ए। वन कनेक्टेड है ए से, टू कनेक्टेड है ए से, थ्री कनेक्टेड है ए से, फोर कनेक्टेड है ए से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, ऑल डोमेन, डोमेन के ऑल एलिमेंट क्या होंगे, वो डोमेन के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, चलो मुस्कान अच्छे से पढ़ रही है, हाँ सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई कर। हाँ, अब देखेंगे इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है पहली बात। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो इक्वल फंक्शन का पहला केस है ना, इक्वल फंक्शन, अगर इक्वल की बात हो रही है मतलब वहां पे क्या हो रहा है, कोई मतलब वहां पे एक से ज्यादा फंक्शन है। पहली बात तो एक से ज्यादा फंक्शन है, तभी तो बोलेंगे कि दो फंक्शन इक्वल है ना, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे सिंगल फंक्शन तो नहीं है। अब जितने भी फंक्शन वहां पे रहे उनके लिए डोमेन एक ही होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पहले ताकि तुम लोग दिमाग में क्लिक करते रहे। ठीक है, डोमेन, सेट ऑफ डोमेन आर सेम फॉर ऑल फंक्शन। ठीक है, पहला केस क्लियर, एफ एक्स रहे या जी एक्स रहे, दोनों के लिए डोमेन क्या होगा, सेम ही होगा, अभी एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहला केस ये हो गया, और सेकंड केस एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, दो फंक्शन है तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होंगे फॉर, इसका मतलब होता है ऑल, ऑल एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ऑल, फॉर ऑल, उल्टा लिख दिया सर, क्या लिख दिया, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, तो इसको याद रखेंगे। हो गया एकदम क्लियर, एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखें। ठीक है, हाँ, अब इसके लिए एक तो एग्जांपल देखते हैं, प्यार से एकदम अच्छे से देखेंगे। ए, इधर ध्यान दे हर्षा, हाँ इधर देखो, एक्स हमारे पास है, चलो जस्ट सपोज करो एग्जांपल के अपन वन ही ले लेते हैं बस, हमारे जो एक्स है वो डोमेन है, और उस डोमेन वाले सेट में क्या है, एक ही एलिमेंट लिया हूं मैं समझाने के लिए अभी, वन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, अब मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही रूल है, ये जो फंक्शन जो लिखा हुआ यही रूल है, और इस रूल बेसिस पे अपन क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये बताना है कि क्या ये इक्वल फंक्शन है फॉर डोमेन एक्स इज इक्वल टू वन के लिए, है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, मैं एफ वन एक्स की जगह वन पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। ठीक है, और यहाँ पे जी वन पुट करूंगा यहाँ पे एक्स की जगह फिर से, तो वन का स्क्वायर आजकल क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया,
जी एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू वन के लिए, कोई दिक्कत की बात? इक्वल फंक्शन होगा फॉर एक्स इक्वल टू वन के लिए, ठीक है, एकदम क्लियर समझ में आया? ओके ठीक है, तो इसको लिखो यार फटाक से। तो इनवर्स फंक्शन क्या है, ठीक है ध्यान देंगे प्लीज। अगर हमारे पास एक फंक्शन है और फंक्शन है ए मैपिंग बी, मतलब ए कनेक्टेड है किससे, बी से कनेक्टेड है, मतलब ए क्या होगा डोमेन, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा, एफ इनवर्स, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बी मैपिंग ए। तो इसके इनवर्स में जो डोमेन और कोडोमेन चेंज हो जाएंगे, और कैसे चेंज होंगे, आपस में ही चेंज हो जाएंगे, जो डोमेन था वो कोडोमेन हो जाएगा और जो कोडोमेन था वो डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फिलहाल बी क्या है तुम्हारा, डोमेन हो जाएगा, समझे कि नहीं, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत की बात? ठीक है हाँ, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। लेकिन तुम्हारा फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है, ठीक है ओके। तो ये आपका हो जाएगा एक फंक्शन हमारे पास एफ एक्स, ठीक है, एक फंक्शन एफ एक्स, और मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एक फंक्शन दे दिया मेरे को, क्वेश्चन के तौर पे समझा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना इसको। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है और इस बोल रहा है कि इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, अब कैसे करें, ठीक है, तो तुमको कुछ नहीं करना है, ध्यान दो कैसे करना है। ये जो एफ एक्स है ना, इसको एज्यूम कर लो वाई, जो मैं बता रहा हूँ वही करना है तुमको वहां फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तुमको इनवर्स फंक्शन निकालना है, मतलब एफ इनवर्स निकालना है ना, एफ एक्स ये निकालना है ना भाई तुमको। अब इसको निकालने के प्रोसेस में सबसे पहले एफ एक्स को क्या एज्यूम कर लोगे, वाई, ठीक है, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब पूरा एक्स की वैल्यू तुम लोग निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स के फॉर्म में लिखोगे, मतलब अभी देखो यहाँ पे वाई के फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, तो अब मेरे को एक्स के फॉर्म में लिखना है, मतलब एक्स को सिंगल करना है, बाकी सबको दूसरे साइड भेजना है, इतना समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, ये हो गया वाई माइनस वन, कोई दिक्कत की बात? लेकिन अभी भी एक्स स्क्वायर डबलेट में है, तो अब इसको केवल एक्स करना है मेरे को, तो क्या करूंगा, अंडर रूट वाई माइनस वन, कोई दिक्कत की बात? हाँ एक्स, कोई दिक्कत, एक्स निकल गया, ठीक है। अब जो फाइनल आंसर जो तुम्हारे में दिया रहेगा वो एक्स के फॉर्म में दिया रहेगा, वाई के फॉर्म में दिया रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुमको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, वहां फाइनल आंसर भी किसके फॉर्म में दिया रहेगा, एक्स के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। तो हमारा इनवर्स आ चुका है एफ एक्स का, हमारा एफ इनवर्स आ चुका है, ठीक है, और वो एफ इनवर्स है ये, लेकिन हमको आंसर किस में दिया रहेगा, एक्स के फॉर्म में। तो जहां पे वाई रहेगा वहां पे क्या कर दोगे, एक्स, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस वन, कोई दिक्कत की बात? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, एकदम क्लियर। हाँ चलो एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे, हाँ एक और एग्जांपल, उसको तुम लोग बनाओगे, ठीक है, पहले इसको लिख लो फटाक से स्पीडली, ठीक है, समझ में तो आ गया ना, ठीक है, स्पीडली लिखो उसका, एक क्वेश्चन देता हूँ फिर फटा, हाँ प्लीज प्लीज फोकस करो इधर। सबसे पहले क्या करना है अपने को, एफ एक्स को वाई एज्यूम कर लेना है, ठीक है, हाँ एफ एक्स को अपन एज्यूम कर लिए वाई, ठीक है, वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो भाई एक्स तो अपना डिनोमिनेटर में है, अब इसको पहले सबसे पहले न्यूमिनेटर में लाना पड़ेगा, तो मैं एक्स माइनस वन को ट्रांसफर कर देता हूँ वाई के साइड, हो जाएगा वाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो ठीक है। अब x मेरे को सिंगल चाहिए, x मेरे को सिंगल चाहिए, तो क्या y, y को ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या वन के साइड, है ना, चलो ठीक है। अगर y को y मल्टीप्लीकेशन में है, अगर मैं ट्रांसफर करूंगा वन के साइड, तो कहाँ जाएगा वो, डिवीजन में जाएगा, तो अपॉन कर देंगे इसको वन अपॉन y x माइनस वन, कोई दिक्कत की बात नहीं। माइनस वन को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरे को x चाहिए केवल, है ना, x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि एक्स को एजिटीज रखा मैंने वन अपॉन y, और ये प्लस वन हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, थोड़ा से एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, यहाँ पे वन प्लस वाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम क्लियर, ठीक है। हाँ तो हमारा जो फाइनल आंसर जो है हमारा एफ इनवर्स है एक्स, वो आ चुका है, ठीक है, वाई के जगह जितने भी, हाँ वाई है वहाँ पे क्या कर दो, एक्स कर दो, तो वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, चलो लिख लो यार इसको प्लीज, जिनसे नहीं हुआ है। कैसे, अच्छा तुम लोग का आंसर ऐसा आया है क्या, हाँ ये, हाँ आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
ये वाला ना, ये भी हो सकता है ठीक है। हाँ लेकिन खास बात यह कि फाइनल जो अपना आंसर होगा उसमें मैच कर लेंगे अपन ठीक है। और मे भी वो तो पूरा एक्स के फॉर्म में ही देगा क्योंकि अभी तक से वाई के फॉर्म में ऐसा दिया नहीं है ठीक है। हो गया चलो ठीक, चलो ठीक इतना काफी है। एक और क्वेश्चन लो, ले लो फटाक से ठीक है। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। fx इज इक्वल टू ठीक है, fx इज इक्वल टू 1/x 5 सेकंड से ज्यादा लगनी चाहिए। 1/x ही आंसर होगा ठीक है, समझे कि नहीं? इधर क्लियर है 1/x ही होगा आंसर ठीक है। हाँ तो चलो ये क्लियर हो चुका है आपका। fx इज इक्वल टू 2x, चलो फटाक से बताओ तो आंसर क्या होगा। x अपॉन 2, कोई दिक्कत की बात? चलो ठीक, बीस सेकेंड का क्वेश्चन है। x अपॉन 20 सेकेंड ज्यादा ही है, अब तुम लोग एक्सपर्ट हो रहे हो थोड़ा सा। चलो x स्क्वायर प्लस x क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ रहा है, एक्स अपॉन 1 - x आ रहा है। चेक करो क्या रहा हीरो, हाँ इधर बोल तेरे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ रहा है, और सॉल्व करो पड़ा, देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। स्क्वायर आना तो पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा? क्या रहा है? ओके 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 चलो देखते हैं। ये y मैंने किया, x अपॉन x प्लस 1 हुआ ठीक है। अब x प्लस, अब मेरे को x के फॉर्म में लेके आना है, तो x को इधर x प्लस 1 को ट्रांसफर किया y, और ये क्या हुआ x प्लस 1, इधर जान दो इधर, ए समझ नहीं देना उसको, इधर टाइम पास कर रही है ठीक है। तो ये y x हो गया प्लस वाई, कोई दिक्कत की बात? चलो ठीक है। और यहाँ पे आ गया एक्स, अब मेरे को एक्स सिंगल चाहिए, तो एक्स वाले टर्म को इधर भेज रहा हूँ मैं, ये वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स हो गया, कोई दिक्कत की बात? क्या मैं एक्स को कॉमन निकाल सकता हूँ? डेफिनेटली 1 - y हो गया ठीक है, और यहाँ पे वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई अपॉन 1 - y, कोई दिक्कत ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। हाँ अब क्या डाउट था बता यार? हाँ क्या बोलो, नहीं समझ में आ रहा मेरे को, बोल ठीक से। ठीक है हाँ ठीक है ठीक है,
वाई की जगह एक्स रख दिया, अपने को लास्ट में जब पूरा वाई टर्म एक साइड हो, हाँ ठीक है नहीं 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 पूरे लास्ट में जब सिंगल एक्स की वैल्यू आ जाए तब अपने को वाई को कन्वर्ट करना है, ठीक है, समझा कि नहीं? हाँ चलो, अच्छा वो डाउट क्लियर हो गया चलो ठीक है, चलो इसको लिख लिया, इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कंपोजिट फंक्शन, इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ठीक है, ठीक है भाई ध्यान देंगे प्लीज, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग ले लेते हैं दो फंक्शन, देखो कंपोजिट मतलब क्या, कुछ ना कुछ कंपोज हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ठीक है, पहला केस। अब यहां पे देख ले कि हमारे पास दो फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे मेरे को क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान देंगे प्लीज, अब जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, और इसी को क्या लिखते हैं, एफ ये लिखा मैंने, और ये जो एक्स दिख रहा है, एक्स के जगह मैं जी एक्स को पुट कर रहा हूं, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत की बात, मैंने क्या किया, ये जो एक्स दिख रहा है यहां पे, अब उस वहां पे जनरली वैल्यूज पुट करते हैं, तो वहां पे मैं जी एक्स को पुट कर रहा हूं, एक फंक्शन को पुट कर रहा हूं, एक नॉर्मल वैल्यूज को पुट करने की जगह मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन को पुट कर रहा हूं, और जैसे ही मैं ऐसा करता हूं, एक फंक्शन को पुट करता हूं, तो ये क्या बन जाता है, कंपोजिट फंक्शन, कोई दिक्कत की बात। अगर मैं, हाँ अब ऑब्वियस सी बात है, अब यहां पे देखो, ठीक है, अब इसी के आगे कंटिन्यू समझा रहा हूं ना, अगर मैं x के जगह gx पुट कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या लिखूंगा मैं, gx, अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं तो यहां पे 1 लिखता हूं कि नहीं, अगर यहां पे gx पुट कर रहा हूं तो इस x की जगह क्या लिखूंगा, gx लिखूंगा, तो gx प्लस 1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो gx की वैल्यू को क्या मैं पुट कर सकता हूं यहां पे, डेफिनेटली कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 और इधर ये वाला प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा f ऑफ g, ठीक है, f ऑफ g भी लिखते हैं इसको, f ऑफ gx भी लिखते हैं इसको, और f ऑफ gx ब्रैकेट में इस तरीके से जो लिखा हूं मैं उस तरीके से भी लिखते हैं, तो तीनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तीनों तरीके से लिख के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। अब एक दूसरे तरीके से देखते हैं इसको, अब ये जो x है ना, g ऑफ fx है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो x है वहां पे क्या पुट कर रहा हूं, fx को पुट कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे fx को पुट कर रहा हूं तो यहां पे क्या लिखूंगा, fx ही लिखूंगा, एग्जैक्टली fx का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्या fx की वैल्यू है मेरे पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्या इसको एक्सपेंड कर सकता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर और ये वाला प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और ये हो जाएगा मेरा f g of f, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कंपोजिट फंक्शन, ये भी सेकंड, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात, ठीक है, हाँ, तो g of f करके लिख के आ सकता है या फिर इस तरीके से दे सकता है या फिर इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन, किसी को भी कुछ भी दिक्कत, एकदम क्लियर है, ठीक है, चलो इसको लिखा है बेहतरीन तरीके से, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, फंक्शन में हम लोग को ये अगर जब भी बोलेगा कि फंक्शन है कि नहीं, तो हमको ऑर्डर्ड पेयर में केवल डोमेन को देखना है और डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए और ऑल डोमेन के ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए, ठीक है, समझे कि नहीं, ओके तो यहां पे देखो भाई, यहां पे क्या, यहां पे डोमेन रिपीट हुआ, एक्स एक्स दिख रहा है यहां पे पहला डोमेन और ये भी है डोमेन है ना, एक्स और पी और एक्स और क्यू, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है, क्या यहां पे डोमेन रिपीट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और तीनों डोमेन आ रहे हैं, ठीक है, और सभी किससे कनेक्टेड है, एस से कनेक्टेड है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन, समझे कि नहीं, है ना, और ये फंक्शन है, ठीक है, क्या यहाँ पे डोमेन रिपीट हो रहा है, तो ये अपना फंक्शन नहीं है, देखो यहाँ पे वाई, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, डोमेन रिपीट हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड आया और ये पी आर एस,
PRS अलग अलग सिंगल एकदम सबके यूनिक आंसर भी है, समझे कि नहीं? ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है, तो इसके दो आंसर है ना इस क्वेश्चन के, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत की बात? ठीक है, इसके दो आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, अभी बी और डी दोनों आंसर है। ठीक है, समझ गया ना कैसे चेक करना है? है ना, फंक्शन अगर बोलेगा तो अपने को किसको देखना है? केवल डोमेन को देखना है, डोमेन सभी रिप्रेजेंट होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, डोमेन अगर रिपीट नहीं हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है? फंक्शन। एक्सपी और ऑप्शन ए में, एक्सपी और यहां पे एस कर दो, यही ना? हाँ, तो भैया ये जो एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं आ गए तो कहां से फंक्शन होगा? ये रिलेशन हो जाएगा, है ना? चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक्स एंड वाई, एक्स, हाँ अब देखो ये एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर दे दिया है। ठीक है, और एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए? इक्वल टू फाइव होना चाहिए, और एक्स वाई बिलोंग कर रहा है किसको? आर, तो आर क्या है? रियल नंबर, समझे कि नहीं? हाँ, तो ऐसे केसेस में आप बताओ क्या होगा, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हम रियल नंबर में केवल वन टू थ्री देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वन प्लस फोर, देखो यहाँ पे x और y ना, तो ये x और y, ठीक है, तो वन प्लस फोर फाइव होता है ना, मतलब वन जो है किससे कनेक्ट होगा? फोर से, रिलेशन के हिसाब से ये रूल दिया हुआ है, इस रूल के हिसाब से ऑर्डर पेयर बनने चाहिए, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे मैं थोड़ा बना के भी बताऊंगा यार, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, तो वन जो कनेक्ट होगा किससे? फोर से, तब फाइव होगा। टू कनेक्ट होगा किससे? थ्री से, तब फाइव होगा। थ्री कनेक्ट होगा किससे? टू से, तब फाइव होगा। फोर कनेक्ट होगा किससे? वन से, तब फाइव होगा, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे डोमेन के जो सिंगल एलिमेंट है उसके सिंगल आंसर मिल रहा है, यूनिक आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो क्या फंक्शन होगा ये? वन वन मैपिंग है क्या? यस, कोई दिक्कत की बात? चलो ठीक है, चलो ठीक है। हो गया, अब इधर देख लेंगे भाई, यहाँ पे x और y दो चीज दिया है और मेरे को केवल दिया है x is equal to 4, तो x is equal to 4 y के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, तो इसमें तो कोई रूल ही नहीं है, समझे कि नहीं? है ना, x is equal to 4 कोई रूल नहीं है, समझे कि नहीं? तो ये फंक्शन नहीं होगा, कहाँ गया भाई? नॉट अ फंक्शन। ठीक है, समझे कि नहीं? प्रॉपर एक रूल आना चाहिए। ठीक, अब इधर आ जाओ भाई, यहाँ पे x और y यहाँ पे दिया हुआ है, एंड y is equal to x square, where x and y belongs to real number, समझे कि नहीं? हाँ, तो रियल नंबर के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जीरो कर लिया, यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री कर लिया, वन टू थ्री कर लिया, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स और वाई अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना, तो इधर भी रियल नंबर रहेंगे पूरे, वाई भी, वाई इधर, ये वाई आएगा इधर, इधर पूरा एक्स आएगा, समझे कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे अगर मैं वन करूं, ठीक है, एट कर दिया ना यहाँ पे, हाँ, अब अगर यहाँ पे वन रखता हूँ, देखो यहाँ पे अब रूल क्या बोल रहा है, रूल क्या बोल रहा है, रूल के अकॉर्डिंग दिख रहा है ना तुमको, हाँ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब मैं एक्स की वैल्यू पे यहाँ पे पुट करूंगा, वन पुट किया तो वन का स्क्वायर आजकल क्या होता है, तो y की वैल्यू 1 आ गई, है ना, तो y की वैल्यू 1, मतलब इस 1 के लिए मैं क्या किया, इससे कनेक्ट किया, कोई दिक्कत की बात? क्या मैं माइनस वन के लिए भी इसको पुट कर सकता हूँ? माइनस वन को भी पुट करूंगा, माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा? प्लस वन ही होगा। ठीक है, ओके, तो ये केस हो गया। अगर दो को यहाँ पे रखता हूँ x के जगह, तो कितना हो जाएगा? फोर, क्या माइनस टू का भी फोर आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, हाँ, सेम थिंग थ्री के लिए, फिर नाइन, इस तरीके से, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, सिंगल एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना, सिंगल एलिमेंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, है ना, मतलब यूनिक आंसर मिल रहे हैं कि नहीं, वन के लिए यूनिक आंसर, माइनस वन के लिए यूनिक आंसर, तो क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, समझे कि नहीं? एकदम क्लियर है सबको, कोई दिक्कत की बात? चलो, तो कहाँ गया भाई यहाँ पे, ये एक फंक्शन है। ठीक है, हाँ, अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लो, एक्स और वाई ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे इसको, एंड एक्स इज लेस देन वाई, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है,
अब देखें भाई ऑर्डर्ड पेयर में, इसी केस में देख लो, इसी केस में मैं दिखा रहा हूं ना, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो अब ये वन किससे किससे रिलेशन बनाएगा? रिलेशन क्या है? एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई। क्या वन जो है टू से छोटा होता है? क्या वन जो है थ्री से छोटा होता है? क्या वन जो है फोर से छोटा होता है? मतलब ये जो वन है, जो वन को छोड़ के टू थ्री फोर फाइव सबसे कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा ये रिलेशन? मतलब नॉट अ फंक्शन, समझे कि नहीं? मुक्ता को क्लियर है? हाँ, तो ये हो जाएगा आपका नॉट अ फंक्शन। क्लियर है? एकदम क्लियर। चलो द डोमेन, डोमेन क्या होगा इसका बताओ, डोमेन क्या होगा इसका? एग्नेस बताएगी डोमेन क्या है इसका। ओनली वन, वन और सेवन डोमेन है। चलो ठीक है, ए चलो, हाँ इधर वन और सेवन डोमेन है, ठीक है। चल एक्सप्लेन कर, क्या बताया था मैं तेरे को ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में क्या बताया था? बहुत लापरवाही है, सही में क्लास में ध्यान नहीं रहता तेरे लगता है। वन और सेवन कैसे हो सकता है ऑर्डर्ड पेयर में? नॉनसेंस, एक ही ऑर्डर्ड पेयर में डोमेन, दोनों डोमेन होंगे, वन और टू है, लेट से क्यों जागती है? तो देखो यहां पे पहला जो अपना ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है मतलब क्या, जो पहले वाले एलिमेंट्स पहले सेट का होगा, ठीक है, और दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट का होगा। ये बताया था कि नहीं, तेरे दिमाग में घुसा था कि नहीं? इतना सिंपल चीज को बताना पड़ रहा है डबल, ठीक है। तो ये वन टू क्या हो जाएगा आपका डोमेन, ठीक है, और ये सेवन अगर इसी में बोलता कोडोमेन क्या होगा तो सेवन और सिक्स, और इसी में बोलता रेंज क्या होगा तो सेवन और सिक्स, समझे कि नहीं? चलो ठीक, द रेंज ऑफ, चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा सेवन का, रुचि बताएगी, चल जीरो नहीं होगा, अरे ठीक से बोलना, ए बी सी में बता क्या होगा, बी होगा, मुस्कान बी होगा, एग्नेस क्यों होगा? कोडोमेन जीरो, लेकिन यहां पर तो चार जीरो है, इवन पांच भी है, कुछ तो दिमाग वाला बात करी लड़की, सही है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सेट के फॉर्म में, और सेट में आजकल क्या होता है, रिपीटेड चीजें होती नहीं है, और ऊपर से बात है ऑब्वियस है, थ्री टू वन ये सभी क्या है, एक ही जीरो से कनेक्टेड है, ठीक है, समझे कि नहीं भाई? चलो ठीक है, द डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स ऑर्डर, एक्स वाई ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। तो भैया डोमेन और रेंज क्या होगा ये बताना है अपने को, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात है, मैं x की वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकता हूँ, रियल नंबर में से कुछ भी पुट कर सकता हूँ, मेरे को एक्स वाई में अगर बोल दिया कि x रियल नंबर है, तो भैया मेरे को तो अगर फंक्शन है वो, तो मेरे को एक एक वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, तो मैं रियल नंबर में या नेगेटिव टर्म्स को भी पुट करूंगा और पॉजिटिव टर्म्स को भी पुट करूंगा, समझे कि नहीं? तो डोमेन मेरा रियल नंबर हो जाएगा, समझे कि नहीं? पहली बात, डोमेन मेरा रियल नंबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेकेंड वाला जो y है वो क्या होगा, ठीक है। तो भाई क्या मैं नेगेटिव को अगर मैं स्क्वायर करूँ तो पॉजिटिव हो जाता है कि नहीं, और पॉजिटिव को अगर करूं तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे नॉन नेगेटिव रियल्स दिख रहे हैं, अपना वाई जो है वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर से लेंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर स्क्वायर होने के बाद हर एक चीज क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव, समझे कि नहीं? किसी को दिक्कत है? क्लियर रुचि? ठीक है, तो आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन बी, ठीक है, एकदम क्लियर है। चलो नाइन नंबर क्वेश्चन देखो, चलो नाइन नंबर क्वेश्चन तुम लोग खुद से बताओ मेरे को, अभी सॉल्व करवाए थे। ए होगा, ए डिस्कस नहीं करेंगे, एग्नेस एक्सप्लेन कर, चल
एक्स की जगह वाई लगाएंगे। मेरे को हाँ जस्ट ना थोड़ी देर के लिए, प्रॉपर कौन सा ऑप्शन तू बोली ही सही है ए। चल कैसे हुआ सही? हाँ तो उससे क्या होगा, हाँ इक्वल हो गया, तो उससे क्या हुआ, मतलब क्या चीज हुआ, क्या निकालना, क्या इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन पढ़ी, क्वेश्चन क्या पढ़ी है, क्वेश्चन इंग्लिश ढंग से पढ़, बकवास कर रही है, ठीक से पढ़ इंग्लिश, तेरे को यही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि क्या निकालना है। हाँ तो ये जो सी स्टेटमेंट है उसमें तेरे को क्या पता चलता है क्या निकालना है, तो दिमाग हिल गया लड़की का पूरा सही में। कौन सा फंक्शन इक्वल है ये हमको फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिव्स वैल्यू इक्वल टू वन। तो इसमें तुरंत दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा कि इक्वल टू वन दे रहा है, चलो ठीक है दोनों फंक्शन, लेकिन दोनों फंक्शन इक्वल हो रहा है ये अपने को फाइंड करना है, समझे कि नहीं। चलो सुकून, 10 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है, ठीक है, fx हम लोग को -1 दिया है तो हमको क्या है x की वैल्यू -1 पुट करनी है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में भी आ जाओ, क्या करना है तुमको, gx हमको दिया हुआ है और -1/2 पुट करना है, तो उससे आंसर आ जाएगा, समझे कि नहीं। इसको तुमको सॉल्व करना है, इसलिए जस्ट बताते जा रहा हूँ, ठीक है ओके। 12 नंबर क्वेश्चन f ऑफ g निकालना है, 13 नंबर क्वेश्चन g ऑफ f निकालना है, ठीक है। द फंक्शन fx 2 to the power x, इसको तुम लोग खुद आइडेंटिफाई करना है, 20 तक का होमवर्क है, खत्म करो जाओ, एस करो, ठीक है।